لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पिछले दिनों ये सवाल आया था, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था कि मरने के बाद रूह कहाँ रहती है। इस पर तो हमने बहुत बात की, तो एक सवाल इससे मुतालिक आया कि भाई बाज़ रूहें तो मोमिनीन की होती हैं और बाज़ मुसलमानों की होती हैं, बाज़ काफिरों की होती हैं, तो इन ये रूहों के क्या अलग अलग मुकाम है रहने के? इलियीन में, सिज्जीन में जाती हैं जिस पर हमने बात की, इसके अलावा भी क्या कोई मुकाम है जहाँ पे रूहें रहती हैं? तो ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है, कयामत आने तक वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला इलियीन में है और किसी की जमजम शरीफ पर, किसी की जगह उसकी कब्र पर है। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाहे बरहूत में, किसी की सिज्जीन में, किसी की मरघट या कब्र पर। तो मुख्तलिफ जगह हैं जहां पे ये रूह रहती हैं, तो कोई एक जगह खास नहीं है। ये मुकाम के लिहाज से होता है कि किसकी कहां रहेगी। अच्छा, साथ साथ कुछ और बातें भी आपको बताता चलूं। ये आला इलियीन क्या होता है? ये जन्नत के निहायत बुलंद बाला मकानात है ना, इनको कहते हैं आला इलियीन। इसी तरह अगर कोई ये पूछे कि भाई चाहे बरहूत कहाँ पर है, मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन ये यमन में वाकई एक कुआं है चाहे बरहूत। इसी तरह कोई पूछे कि भाई ये सिज्जीन क्या है, इस पर तो मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, मुख्तसरन जहन्नुम की एक वादी है। और मरघट क्या है या कब्र, तो भाई इससे मुराद ये कि जहाँ हिंदू मुर्दे जलाते हैं उनकी रूहें जो है, फिर ऐसा नहीं कि वहां आत्माएं भटकती रहती हैं, ये आत्मा भटकने का चक्कर कोई नहीं होता, ये कैद होती हैं और ये अजाब दिया जाता है इन्हें और ये अजाब में होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे हर बुरे वक्त से। तो भाई देखें, जिस्म जो है ना वो घुल जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, बहरहाल रूह जो है वो बाकी रहती है और जिस हाल में भी हो और जहां कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है, बदन की तकलीफ उसे भी होती है। और ये जो आप बदन देखते हैं ना, आलम बरजख वाला और मामला है। आलम बरजख यूं जाहिरी मामलात नहीं है उसके, वो आपकी फहम से पोशीदा मामलात है, लेकिन वहां पर भी एक बदनी शक्ल है और रूह का उस बदनी शक्ल से ताल्लुक है। ये जाहिर वाला बदन तो तुम जला देते हो, लेकिन वो आलम बरजख वाला बदन रहता है और उसके अंदर की जो कैफियत होती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो बदन आराम पाता है तो रूह को आराम पहुंचता है। इसी तरह जो कोई कब्र पर आए उसे देखती है, पहचानती है, उसकी बात सुनती है अल्लाह ताला के हुक्म से, अपने तरीके से नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म से। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस में आता है कि जब मुसलमान मर जाता है तो इसकी राह खोल दी जाती है कि जहां चाहे जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रूह के लिए कोई जगह दूर या नजदीक नहीं बल्कि सब जगह बराबर है। इसलिए जो माने के मरने के बाद रूह मिट जाती है वो बद मजहब है, मुर्दा कलाम भी करता है और उसकी बोली आवाम, जिन और इंसानों के सिवा हैवानात सुनते भी हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह के जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह की इधर उधर की पसलियां आपस में मिल जाती है। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनकी जूतों की आवाज सुनता है। ये तमाम मामलात जो हैं बड़ी तफसील के साथ आते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं, अगर किसी को सवाल हो कि बरज़ख क्या है, इस पर एक सीरीज मौजूद है जिस पर हम काम भी करते रहते हैं, लेकिन भाई देखें, बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद से कयामत आने तक तमाम इंसान और जिनों को हज़्ब मरातिब इसमें रहना होता है। ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है, दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहयाउल उलूमुद्दीन में, किताब जिक्रुल मौत वमा बादुहू में,
کہ دلیل عقلی اور آیتیں اور حدیثیں اس پر گواہ و ناطق ہیں کہ موت کے کے معنی ہے صرف حالت کا بدل جانا اور روح کا باقی رہنا، بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا نعمت میں، اور مفارقت بدن کے معنی ہے کہ اس کے تصرف کا انقطاع، کے بدن میں اس کی طاعت کی قابلیت نہ رہی، اور یہی امام اپنے رسالہ لدنیا میں فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الرُّوحُ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِ الْبَدَنِ، یعنی یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں۔ تو مجموعہ رسائل الامام الغزالی الرسالہ اللدنیا صفحہ نمبر 226۔ اس میں سے بہت ساری باتیں میں مختلف دروس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو یہاں پر ان کو میں یکجا کر رہا ہوں، اس لیے اختصار سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔